स्टार्ट करते ही उर्दू का क्वेश्चन करते हैं। इसमें फर्स्ट जो है तो इस पैराग्राफ का उन्वान क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में हम खुशामद जी के साथ करने लगते हैं, तो खुशामद मतलब ये पूरा मोहल्ले खुशामद का अच्छा लगा। तो खुशामद की ज्यादा बात की गई, देखिए बीच बीच में खुश बोलो खुशामद आखिर तक। तो हसद नफरत मोहब्बत में खुशामद 21 का फर्स्ट खुशामद। नेक्स्ट है कि दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असर अंदाज होती है, दूसरों की खुशामद इंसान पर असर अंदाज होती है तो इसमें से क्या होता है। मगरूर होता है, अजमा मजबूत होता है, आपसे मोहब्बत होती है, दूसरों से मोहब्बत, तो इसका कहाँ मिलेगा असर अंदाज जो होती है। तो हाँ जो अपाई हवा के कबूल कर लेता है तो उसमें क्या होगा असर अंदाज होती है। ठीक हम पर असर करने लगती है। हम अव्वल तो खुद को अपनी मोहब्बत पैदा होती है, यहाँ पर दिख रहा है, फिर हम बागी हो जाते हैं, खुद की मतलब अपने आप से। सेकेंड का थर्ड है राइट, खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा होता है। हसद का, दूसरों के प्रति नफरत का, फोर्थ वाला और ऑप्शन फोर्थ नहीं फोर्थ। बिल्कुल सही है, जहरीले बातों के जहर को चूस लेने वाला। ये सर ऊपर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन, जो हमेशा जहरीले बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। नेक्स्ट है खुशामद कैसा मर्ज है। वबाई जो बाय। हमने पहले पढ़े थे, वबाई हवा के असर को कबूल करता है, और मर्ज है मोहल्लिक। अब देखिए यहाँ पर मोहल्लिक और वबाई आया तो फोर्थ मोहल्लिक वाला। उसी तरह है 125 कि इंसान इस मोहल्लिक मर्ज में कब गिरफ्तार होता है। खुशामद को बुरा समझता है, उससे खुशामद अच्छी लगती है, खुशामदी को सराहता है, या जब वो खुशामद को सब कुछ समझता है। वबा कब फैलती है। अच्छा लगना मोहल्ले खुशामद, खुशामद खुशामद अच्छी लगती है तब। अच्छे लगने लगती है 125। उसका सेकंड बता रहे लेकिन, हाँ वो सेकंड ही सही है, अच्छे लगने लगती है राइट जब खुशामद अच्छी लगने लगती है तब। राइट। नेक्स्ट है कि इंसान को जहरीली बातों की ख्वाहिश कब होती है। तो जहरीली बातों की कहाँ पर है, यहाँ पर जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश, और उसके अलावा ऑप्शन उसके क्या है। वो ज्यादा बातें करता है दोस्तों की महफिल में होता है, खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी की वजह से जब वो तनहा होता है, अच्छा खुशामद अच्छे लगने की वजह से। हाँ अच्छे लगने, जब खुशामद के अच्छे लगने की बीमारी। तो 126 का थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खुश गुलो गाने गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है। इंसान के दिल को इतना नरम बना देती है कि उसमें हर अच्छी बुरी चीज की जगह होती है, इंसान को बदजन कर देती है, इंसान को खुश मिजाज बना देती है, उसके दिल में उमंग भर देती है। फर्स्ट सर फर्स्ट वाला सही जवाब है इसका। इसमें कहाँ पर है, राग और खुश आइंद गाने का। शुक्रिया। यह है राग और खुश आइंद बाजे की आवाज इंसान के दिल को यहाँ से। तो उसका क्या, फर्स्ट इंसान के दिल को इतना रन बना देती है कि उसमें हर चीज बुरी चीज की जगह होती है। सेकेंड पैराग्राफ और अव्वल अव्वल ये होता है कि हर अच्छी चीज को अच्छा समझते हैं ये वाला। उसके बाद है वस्फ की जमा,
औसाफ। ओके 128 तो इसका फोर्थ बराबर है औसाफ, वस्फ औसाफ। इंसान खुशामदगी से क्या करने लगता है, रहम करम, लड़ाई झगड़ा, मेहनत तो मेहरबानी, दुश्मनी और हसद। खुशामदगी खुशामदियों से क्या जो मेहनत तो मेहरबानी वो शायद हम खुशामदी के साथ करने लगते हैं। लास्ट मेहरबानी। 129 का थर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, उसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़ा पैसेज है। तारुफ के मायने क्या होता है, पहली बार जान पहचान होना, पहली बार मिलना, पहली बार दोस्ती करना, पहली बार बात करना। पहला फर्स्ट इसमें भी देख लेंगे एक मरतबा। क्या हो सकता है, डायरेक्ट देखते फर्स्ट हैं। 130 फर्स्ट है, पहली बार जान पहचान होना, ये तारुफ। पूछते हैं कि आपका तारुफ, तो पहली बार जान पहचान होना। हाय आई एम एक्स वाई जेड ऐसे। दोस्ती का मुतजाद दुश्मनी दुश्मनी। और काबली वाले के कंधे पर क्या था, तो काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला था और हाथ में अंगूरों की पिटिया थी। चौथा आटे का थैला नहीं, मेवे का थैला। 132 चौथा बिल्कुल सही। मुन्नी काबली वाले को देखकर क्यों घबराई, उसके डील और डॉल को सेकेंड देखकर ऐसा लगा कि काबली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा, उसकी आवाज सुनकर घर की तरफ आता देखा। नहीं, यहाँ पर है, सर पहले ऊपर। में डालकर ले जाते हैं। हाँ सेकंड बिल्कुल सही। मुन्नी की माँ को, मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी, शोर करने पर, झूठ बोलने पर, काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, स्कूल का काम ना करने पर। एक अठन्नी निकालकर काबली को दी, हार्ट देकर जवाब में डांटी। शोर मचा, मुन्नी की माँ उसे डांट के पूछ रही अठन्नी क्यों। काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या निकाल कर देता है, किशमिश। यहाँ दिखा था ऊपर किशमिश। बादाम और किशमिश लिए हुए थे। मैंने काबली से कहा ये कब सब क्यों दिया, अब मत देना। तो ये क्या था, झोली से निकाल कर क्या देता है। बादाम किशमिश। देख लेना है और एक मरतबा उसको, क्योंकि मुन्ने लिए हुए बोल रहा है, मुन्ने लिए हुए थे किशमिश। उसने दिया सर, जबीज मुन्नी नहीं होंगी। झोली से किशमिश निकाल कर यहाँ पर है, मुन्ने को देने लगा और ये राजी ना हुई, ये इसमें था। तो किशमिश 135 सेकंड सही है। उसके बाद है 136 जो कि पेडागोजी पर है। हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की फहम समझ इसकी जांच लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है, उस अंदाजे कदर का मकसद क्या होता है। जबान सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, निसाबी मकासिद को समझाने में टीचर की मदद करना, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, जबान की क्लास के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना। थर्ड तलबा की तमाम सलाहियतों की थर्ड बिल्कुल सही है कि तलबा की तमाम सलाहियत की जांच करना।
सीखने की सलाहियत पर नहीं, नसाबी मकासिद को समझाने, और ये भी नहीं, तलबा का तर्ज अमल मुतय, सलाहियत की जांच कर, चलो चारों भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ई लर्निंग क्या है? पास लाती तारीफ, हार्डवेयर से जुड़ी हुई, ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री। फासलाती तालीम फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। सर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है सर वो। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन अब आंसर कौन क्या है? ब्लेंडेड रहेगा हार्डवेयर, लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, थर्ड हो सकता है क्या? थर्ड या सेकेंड में इसको एक रहेगा और कोई आंसर? नहीं सर, थर्ड या सेकंड में से ही हो सकता सर, ये दूसरे में थर्ड थर्ड वाला। हाँ ई सही है। लर्निंग। हार्डवेयर मतलब सिर्फ कैसा है कि बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चल पाता, और ई लर्निंग सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, हाँ, और फासला ई भी लर्निंग में मतलब हाँ वो अलग है, वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन गैप मतलब चाहिए, गैप गैप जब हो जाता है, जैसे ऑफलाइन भी हो सकती है, और ई लर्निंग यानी मोबाइल से उससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर एक टीचर तमिल जुबान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है, तो उससे दर्ज ज़ैल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, सिवाय, पहले हम सिवाय भूल गए थे, अब सिवाय याद रख। तो एक छोड़कर, मुस्तनद मवाद चाहता है तो किसका इस्तेमाल करना होगा? तमिल अखबार, इंग्लिश जुबान के अखबार के मजमून का तमिल जुबान में तर्जुमा करके, मुलाजिमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में दिया इस्तेमाल किया गया, और कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर। फोर्थ सर उसका। स्ट्रीट साइन की तस्वीर क्यों? इसके अलावा बताया जा रहा सर, हाँ सिर्फ अलावा है इसके, उसको उसको तमिल जबान पढ़ाना है, और तमिल अखबार से भी वो कर सकता, और इंग्लिश जबान के अखबार का मजमून भी तर्जुमा तमिल जबान में कर सकता, और या फिर डायरेक्ट भी तमिल स्कूल में लग सकता हो, कंपनी वगैरह में। तो उसको ऑथेंटिक ये चौथे में मुस्तनिद, तमिल का कोई हाँ मुस्तनिद, तो हाँ उसका जवाब ऑथेंटिक मवाद होना उसको, सेकंड उसका हाँ नहीं क्योंकि आ रहा, क्योंकि वो ये ट्रांसलेट हाँ ट्रांसलेशन में इंग्लिश जबान के अखबार का मजमून का तमिल जुबान में तर्जुमा करते, जब उसको तमिल नहीं मालूम रहेगा किसी को, तो वो एग्जैक्टली ऑथेंटिक वे में उसको नहीं कर पाएंगे, तमिल अखबार में सारा ऑथेंटिक रहेगा। मुलाजिमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया, तो वो वहाँ से कंटेंट जो रहेगा ऑथेंटिक है, और कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर भी वो आपका तमिल से जुड़ी हुई साइंस का इशारा करें, तो ये मुस्तनिद नहीं होगा सिवाय सेकेंड। 139 गैर लफ्जी तरसील क्या होगी? बोले जाने वाले अल्फाज की हरकात और सकनात की आदात, छुपे हुए अल्फाज। हरकत सकना तो सेकंड बिल्कुल सही है, हरकात और सकनात। दर्ज ज़ैल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है, सिवाय, अब इसमें भी एक छोड़कर है, ये खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है, क्लास का ज़्यादा वक्त मशक लेने के लिए वक्त करना, एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, उन तुलबा को तरबियत देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। फर्स्ट तो सेकेंड आ रहा है, एक बे आवाज बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, खूबियाँ मुतालिक है, क्लास का ज्यादा वक्त मशक लेने के लिए वक्फ करना, टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना। ये तो पॉजिटिव में है, फोर, टीचर मरकूज हिदायत बोले तो जो टीचर कहेगा अपने मन से नहीं, और क्लास का ज्यादा वक्त लग सकेगा कोऑपरेटिव लर्निंग में, और बे आवाज इंडिविजुअल में रहेगा, ये मतलब उल्टा था, बे आवाज बे हरकत बहुत करीने वाला, बे आवाज से समझ सकते, शोर कोऑपरेटिव में होता है इस वजह से। नेक्स्ट, क्लास में किसी मशहूर वाक्य की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लास में मशहूर वाक्य की दिया तरफ, आपसे कभी कभी, टेल मी फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है तो तलमी सही है, तलमी मतलब क्या होता है?
किसी कुरानी नहीं आया उसके जो पहले तुमने आयती तल्ब हावी की इशारा हमको शायर भेजी थी इसको। अपने कलाम में जब इस्तेमाल करता है उसे तलमी कहते। इसकी डेफिनेशन यह ऊपर से भी ले सकते हो ना, मशहूर वाक्य की तरफ इशारा मौजूद हो, मशहूर वाक्य तो तलमी हो जाएगा। तजाद तो उल्टा है, हसनत तालील क्या है और तजनीस क्या है, तजनीस पर भी आता है ना बम, तो अभी फिलहाल तलमी से मशहूर वाक्य की तरफ इशारा। इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे? रीडिंग टेस्ट में सवाल है कि धर्मशाला कहाँ वाक्य है, जवाब है कि हिमाचल प्रदेश में, और जवाब क्यों है कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक्य है। ये रीडिंग टेस्ट को आप कैसे नंबर देंगे? दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0, पहले जवाब के लिए 1, दूसरे के लिए 2, पहले जवाब के लिए 2 और दूसरे के लिए भी 2, और दूसरे के लिए 2.5 डेढ़, और पहले के लिए 1। सेकेंड वाले पहले के लिए एक और दूसरे के लिए दो। कौन सा हो सकता है? पहले के लिए एक और दूसरे के लिए दो। 142 का री हो रहा है, पहले के लिए 2 नंबर और दूसरे के लिए भी 2, क्यों ऐसा? धर्मशाला कहाँ जवाब वाक्य? दोनों सर, जवाब दोनों जगह सही है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में, मतलब ये शॉर्ट आंसर हो गया, और ये मतलब डिटेल तो नहीं बोलेंगे, ये फुल सेंटेंस वाला, धर्मशाला उसने सवाल को लेकिन दोहराया वहां पर। हाँ हिमाचल प्रदेश में फिर वाक्य है कहाँ में, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर शॉर्ट था जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों जगह पर सेम आया हिमाचल प्रदेश, अगर वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश कहता था धर्मशाला कहाँ वाक्य हिमाचल प्रदेश तो शायद वो कम हो सकता था, तो ये शॉर्ट और ये लॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, वसी मुतल्ले का मतलब क्या है? गैर मारूफ लफ्जों के मानों का अंदाजा करना, मौजू को समझने और लुत्फानंदोज होने के लिए पढ़ना, मरकजी ख्याल को समझना, मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना। मतलब वसी मुताला, मरकजी ख्याल को समझना, और कोई? उसका सेकेंड आ रहा है, और सब दोनों फिर मौजू को समझने और लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ना सही रहेगा कि गलत तो नहीं है आंसर? सही है, मौजू को समझने सही है, और सही हाँ, समझने पे है। अहमियत जो आती है मीनिंगफुल लर्निंग में, अच्छा और लुत्फ अंदोज होने के लिए, राइट। अच्छा उसके बाद है, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के जरिए तस्वीर की सूरत गिरी, एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मिल करना, बुलंद आवाज से मतन पढ़वाकर जांच कराना करना। सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने सरगर्मी बनाई, तो किस बनी बुनियाद पर वो हो सके? पहले दो तो नहीं है सर, बाकी तीन हाँ, और चार में कंफ्यूजन है। चार भी नहीं रहेगा। बुलंद आवाज से मतन पढ़वाना तो वो रीडिंग में आएगा, ये सुनने की महारत है, तो सुनने में सुनकर उसमें बोल रहे तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक रहेगा, तो मैं कितना अच्छा सुने उस पर जज करता उसका थर्ड है सही, हूँ। ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना, सुनने की महारत, जदवल साजी करना ऑडियो रिकॉर्डिंग, याद रखना। क्योंकि सुनने की महारत है, कितना अच्छा सुने और कितना अच्छा कर सुनकर, मतलब करे करे। हाँ राइट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टीबीएल कहाँ पर है? उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, ऊपर के दोनों 1 और 2 या सिर्फ 2? सिर्फ दो अपने आप पूछताछ करते हैं। 45 का थर्ड सही है, ऊपर के दोनों 1 और 2, क्यों?
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हाँ उस्ताद काम देता और पढ़ने में मदद करता है। ये क्यों हाँ सही है? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों दोनों एक्टिव हो रहे हैं इसमें, टीचर और स्टूडेंट। हाँ, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पढ़ने में मदद कर रहा है वो इसलिए, तो वो पूछेगा, मतलब वहां पर सवाल पढ़ने में जब मदद होगी तो वो एक पूछेगा उस्ताद काम देना, तो काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, तो मदद कर रहा है सिर्फ, सिखा नहीं रहा भी या पढ़ा नहीं रहा, तो पढ़ने में मदद कर रहा है, तो पढ़ने में वो पूछेगा या रुकेगा, इंक्वायरी बेस्ड, और तुलवा अपने आप पूछताछ करते हैं दोनों, बार अपने मियाँ मिट्ठू बनना इसका मतलब क्या है? अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना, ज्यादा पहले तारीफ समय के साथ फर्स्ट आती है। फर्स्ट अपनी तारीफ खुद करना फर्स्ट है सर उसमें। हाँ राइट, फर्स्ट। 147, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, ये किसका है? नाइन, गालिब, सौगत, गालिब तकी, मीर और जौ। मीर था कि सबके मीर डिफरेंट साढ़े आंसर्स, इसमें से सात मीटर मीर तकी मीर बिल्कुल सही है। ये ऐसे मतलब जो शायरी वगैरह है इस पर ही ज्यादा उर्दू से रब्बत होती है लोग बोलने से, और उससे गालिब को तखल्लुस रहता था गालिब उसमें। का तखल्लुस रहता है हर बार। हाँ, अच्छा पढ़ने से कबल बहस और मुबाहसे के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, पढ़ने से कबल बहस और मुबाहसे के दौरान कोई भी पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है क्या? जिजे टू ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, जिजे टू ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, फ्रेजलेस मेथड, उर्दू में इंग्लिश के टर्म्स यूज करे गए, ग्रामर तर्जुमा मेथड, इसको सिर्फ उन्होंने उतना रखे ग्रामर तर्जुमा, ऑडियो लिंगुअल मेथड, पढ़ने से पहले का। सपोर्ट ऑडियो लिंगुअल, फोर्थ उसका सही जवाब, ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो उसको बोला है ना कि पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए। पढ़ने से कबल, हाँ हाँ पढ़ने के मतलब बाद ना करते हुए, सही रहेगा ना ऑडियो। ऑडियो लिंगुअल मेथड। दो सवाल रह गए, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए और उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए तो क्या कहलाते हैं? साबिके साबिक़े, लाहे, साबिक़े, साबिके साबिक़े, साबिके तो सेकंड बिल्कुल सही है, साबिक़े, लाइन के बाद में भी लाहे से बाद में जुड़ेगी, हरूफ जार क्या रहेगा फिर वो मालूम कर ली। नेक्स्ट है, स्कूल जो आम और खास तालीम में फर्क नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? मखसूस, मियारी, मुश्तमिल, फोर्थ खुसूसी। फोर्थ, इंक्लूसिव सेकंड सेकंड इंक्लूसिव तो फोर्थ पे है ना, सेकेंड या फोर्थ? हाँ मखसूस, सर फोर्थ फोर्थ सॉरी हाँ तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, इंक्लूसिव, स्कूल जो आम और खास तालीम में फर्क नहीं करते, ये होते हैं। तो ये होता है उर्दू का खत्म क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट टाइम जब लिंक आएंगी जब ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।